हेलो दोस्तों, मैं मदारी फाउंडेशन से एक बार फिर आप लोगों के सामने वो बताने जो मैं करने के लिए हर बार आप लोगों को कहने आ जाता हूँ, और सच बताता हूँ हर बार बहुत उम्मीद के साथ आता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। आज मैं आप लोगों को क्या बताने आया हूँ, पहली बात तो मैं आप लोगों को दशहरे की बधाइयाँ देने आया हूँ। आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। आप सोचेंगे कि ये बधाइयाँ मैं इतनी एडवांस में क्यों दे रहा हूँ। इतनी एडवांस में देने का एक कारण है, इतनी एडवांस में देने का ये कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप वो पहले से कर लें जो हमें करना है, और ये वीडियो शेयर होके वहाँ तक पहुँचे जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए समय लगता है। तो मैं चाहता हूँ, आप लोगों से पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि हमारी सरकारें पटाखे ना जलाने के लिए बहुत सारे नियम लागू करती हैं। वो नियम ये हैं कि फुटपाथ के किनारे जो लोग पटाखे बेचते हैं उनकी हटा दी जाती हैं, ठेले हटा दिए जाते हैं, उनकी दुकानों को बंद कर दिया जाता है, उन पर चालान कर दिया जाता है। बहुत ठीक बात है, होना चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन फैलता है, आपका एयर पॉल्यूशन फैलता है। सिर्फ हम ही तो नहीं हैं इस सृष्टि में, और भी हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से जब किसी घर में नवजात शिशु होता है या 2 या 2.5 साल का कोई बच्चा होता है, तो जिस टाइम पे पटाखे फूट रहे होते हैं उसके कान में रुई डाल दी जाती है। अब आप सोचिए कि आप तो रुई डालकर गुजारा चला लेते हैं, लेकिन एक घोंसले में जिसमें कबूतर के बच्चे रहते हैं वो क्या करें। एक छोटे से बिल में किसी चूहिया ने अपने बच्चे पैदा कर रखे हैं, वो क्या करें। आप सोचिए ज़रा हर किसी के बारे में, क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं रहते हैं, और यहाँ सिर्फ अकेले का हमारा हक नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जब सरकार कहती है कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और दूसरी ओर वो खुद रावण को आग देते हुए दिखते हैं रामलीला मैदान में, तो शोभा नहीं देता। ये किस तरीके के बैन हैं मुझे पता नहीं चलता, और ये आज से या किसी मौजूदा सरकार से होता हुआ नहीं आ रहा है, या किसी पीछे की सरकार से होता हुआ नहीं आ रहा है। ये जब से रामलीला मैदान में रामलीला शुरू हुई है तब और तब से रावण जलाया जा रहा है, और तब से ये किया जा रहा है कि हमारे सरकार के बड़े नेता आते हैं मौजूदा सरकार के, और वो ये काम करते हैं। तो ये अगर पहले ये लोग उस तरफ कदम उठाकर दिखा दें कि इस बार हम बहिष्कार करते हैं, रावण को नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है हर तरीके का। तो मैं चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये पहल आपके हाथों से की जाए, कि इस बार आप बहिष्कार करें कि रावण जलाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये धरोहर, पहले तो हमें ये देखना है कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो हम सिखा रहे हैं क्षमा के नियम, के क्षमा करना सीखें, और एक रावण को हम आज तक क्षमा ना कर सकें। दूसरी चीज़, अगर इस धरोहर को हमें संभालना भी है, अगर प्रधानमंत्री को ये करना ज़रूरी भी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को शो करना ही है, तो एक बड़ा सा फ़ोटो केक बनवाएं रावण का, और अपने हाथों से उस केक को काटें, और तब वो मैसेज दें कि हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत होनी है। और ये कार्य बिल्कुल बुराई पे अच्छाई की जीत की ओर ही अग्रसर कर रहा है पूरे संसार को, कि भारत में एक ऐसा कदम उठाया गया। और जब आप ऐसा कदम उठाते दिखेंगे तो बिल्कुल मैं कहता हूँ आपके उस नियम पे भी बिल्कुल जनता काम करेगी, आम नागरिक काम करेंगे, जिसमें आप कहते हैं कि दिवाली में पटाखे ना जलाएं, क्योंकि आप अब करते दिख रहे हैं और हम अब करते दिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुंचा दें। देखेंगे नहीं देखेंगे ये उनका काम है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम कम से कम अपने बच्चों को तो ये दिखाना शुरू कर दें कि अगर बुराई पे अच्छाई की जीत होनी है, तो हम भी एक घर पे छोटा सा केक मंगाएं और उसे काटें और दशहरा मनाएं, और अपने बच्चे को राम बनाइए। क्यों किसी को दिखाते हैं कि वो राम उसे मारता है,
तुम अपने बच्चे को बताइए तू राम और बुराई को मारता है, ये ज़्यादा अच्छा मैसेज होगा। और मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैसेज अगर पहुँचेगा तो शायद बात बने, शायद कान खुलें सबके जिनके बंद पड़े हैं। तो शोर है, जोर आपको लगाना है, आवाज़ गूंज जाएगी। अगर गूंज नहीं पाई तो उसमें हमारी ही कमी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप कमी ना छोड़ें, क्योंकि मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। आपके इस कार्य को करने के लिए मुझे अभी और कुछ करना है, सिर्फ उसी के लिए जाने की इजाज़त चाहता हूँ, वरना मैं और आप तो साथ हैं ही। धन्यवाद।